पुरातात्विक धरोहर बोलिया सरकार की छतरी के पास बने विवादित मार्केट श्री कृष्ण कॉम्प्लेक्स को लेकर नया विवाद सामने आया है। दुकानों का संरक्षण करी संस्था ने ही 9 लाख रुपए लेकर मार्केट के नक्शे में छेड़छाड़ करते हुए लोहे का चढ़ाव बना दिया। यही नहीं, मार्केट की पार्किंग की जमीन पर बड़े पिल्लर गाड़कर मार्केट की पार्किंग खत्म कर डाली। दरअसल इंदौर की धरोहर रहे श्री कृष्ण टॉकीज की जमीन पर श्री कृष्ण क्लॉथ मार्केट बनाया गया है, जिसे लेकर इस मार्केट के निर्माण के समय से ही पुरातत्व विभाग ने हाईकोर्ट में आपत्ति लगाई हुई है। गौरतलब है कि पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक महत्व की धरोहर के संरक्षण के लिए बने कानूनों के मुताबिक किसी भी ऐतिहासिक संरक्षण इमारत के 300 मीटर के दायरे में किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जा सकता है, जिसके तहत पुरातात्विक अधिनियम का उल्लंघन का मामला दर्ज होता है। यही नहीं, इस मामले के कोर्ट में लंबित होने के बावजूद मार्केट का मैनेजमेंट संभाल रही व्यापारियों की सोसाइटी ने निगम से पारित किए गए निर्माण के विरुद्ध जाकर कई बदलाव कर दिए हैं। दरअसल 2005 में नगर निगम इंदौर से पास हुए मार्केट के नक्शे में FAR और MOS छोड़ने की शर्त पर मार्केट निर्माण की अनुमति दी गई थी, जिसके बाद यहां थोक रेडीमेड कपड़ा मार्केट बनाकर संचालित भी हो रहा है। मार्केट में व्यापारियों की एक सोसाइटी भी संचालित है, जो मार्केट की साफ सफाई और सामाजिक कार्यक्रमों का संचालन करने के लिए बनाई गई है, लेकिन सोसाइटी ने अपने स्वहित के चलते मार्केट के निगम से पास हुए नक्शे में छेड़छाड़ करते हुए पार्किंग और MOS की जगह का सौदा कर दिया। सोसाइटी के भंग हो चुके संचालक मंडल ने नरेश बलेचा और दिलीप सोमानी नामक दुकानदारों से साठ गांठ कर दोनों दुकानदारों से 9 लाख रुपए मार्केट के विकास के नाम पर हड़प लिए और नरेश और दिलीप को पार्किंग और MOS एरिया में उनकी दुकान तक पहुंचने का रास्ता बनाने की अनुमति दे दी। दोनों दुकानदारों को दी गई इस राहत से आसपास के दुकानदारों ने जहां सोसाइटी के प्रतिनिधियों का विरोध शुरू कर दिया है, वहीं मार्केट के दुकानदारों ने नगर निगम में अनुमति के विरुद्ध निर्माण की शिकायत भी दर्ज की है। इस मामले में जानकारी देते हुए मार्केट के दुकानदार अमित लालवानी ने बताया कि सोसाइटी के कर्ता धर्ताओं ने कैसे एक व्यापारी के पक्ष में पूरे मार्केट की पार्किंग का सौदा कर दिया। ये बस 40 फीट की चढ़ाव है, अवैध रूप से बनाई गई है वो, और कभी उससे वो सीखता है कुछ भी, कोई सुनवाई नहीं ना उनकी, कोई सुनवाई कुछ भी नहीं उसकी, चढ़ाव हटवानी चाहिए अब तो। ये सर, ये श्री कृष्ण कॉम्प्लेक्स 108 गेस्ट हाउस रोड का मामला है। इसमें अंबिका ANC के मालिक नरेश बलेचा और दिलीप सोमानी द्वारा अवैध निर्माण किया गया है 40 फीट का चढ़ाव, जिसमें नगर निगम की साठगांठ के द्वारा बनाया गया है, जिसकी शिकायत नगर निगम प्रतिभा पाल जी को भी की गई है एवं CM हेल्पलाइन में भी की गई है, लेकिन कई अधिकारियों की मिली भगत के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई की नहीं जा रही है और कभी भी इसमें जनहानि बड़ी हो सकती है। बस सर, वही कार्रवाई करने के लिए मैंने आवेदन दिए, लेकिन उस पर नगर निगम के या उच्च अधिकारी कोई कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि वो सब उनकी साठगांठ से बंधे हुए हैं। उन्होंने 9 लाख रुपए श्री कृष्ण सोसाइटी में दिए हैं ताकि व्यापारी सब चुप हो जाएं और उसके खिलाफ नहीं बोलें, क्योंकि उस कलेक्शन को वो कैमरे वगैरह लगा के दे रहे हैं, जबकि नगर निगम से परमिशन नहीं है उसमें, और ये सब सोसाइटी ने 9 लाख रुपए लेके इनको परमिशन दी है। ये पहला मामला नहीं है जब निगम के उच्च अधिकारियों तक शिकायतें न पहुंची हो, लेकिन निगम के उच्च अधिकारी भी मामले की लीपापोती करने में लगे हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक निगम के जोन 12 के बिल्डिंग इंस्पेक्टर आनंद राय के पास इस मामले की जांच थी, लेकिन उन्होंने दोनों दुकानदार नरेश और दिलीप और कथित सोसाइटी से लंबी साठगांठ कर ली और मामले में खात्मा कर रिपोर्ट बनाकर अधिकारियों को भेजी है, जबकि शिकायतकर्ता की ओर से CM हेल्पलाइन की शिकायत अभी तक खारिज नहीं की गई है, जबकि निगम के उच्च अधिकारियों को मौका मुआयना कर दुकानदारों को राहत पहुंचाना चाहिए।